बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी के साथ आपके साथ फिर से मौजूद हूँ। आज हम पालक पराठा सीखने जा रहे हैं और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन बहुत ही डिलीशियस एंड क्रिस्पी है। ठीक है, ये पराठा तो आम तौर पर हर घर में ही जो है वो बनता है और आम तौर पर सब लोग ही इसको पसंद करते हैं, और स्पेशली नाश्ते में दही केचप या फिर इमली की चटनी के साथ सब लोग इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये सिंपल सी रेसिपी जो है वो शेयर की है, ताकि आप लोग भी इसको इंजॉय कर सकें। उम्मीद है आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस को पहले देखा होगा, लेकिन अगर आपने मेरी पहली वीडियो को देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस सिंपल सी रेसिपी को सीख सकें और इसको इंजॉय कर सकें। आज काफ़ी अच्छे के बाद जो है वो मुझे मेरा पराठा खाने को दिल चाह रहा था, तो इसलिए मैंने बड़ी दिल के साथ जो है वो इसको बनाने की कोशिश की है, और ये वाकई बहुत डिलीशियस और क्रिस्पी है। मैंने तो इसको इमली की चटनी के साथ इंजॉय किया था, और आपको जो भी पसंद हो, जैसे भी आपको पसंद हो, रायता, इमली की चटनी, केचप, वट एवर वट यू वॉन्ट, आप उसके साथ इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके सामने बहुत ही क्रिस्पी सा पराठा जो है वो आपके सामने है पराठा। तो आप भी सिंपल सी रेसिपी को इंजॉय ट्राई कीजिएगा, और साथ में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका पराठा भी इतना ही क्रिस्पी बना जितना मेरा बना हुआ है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।